बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सच हुई तो पृथ्वी पर होगा एलियन का हमला। भारत को लेकर क्या कह दिया बाबा वेंगा ने? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी पहले भी हो चुकी है सच। लोगों में डर का माहौल। भारत पर वेंगा की भविष्यवाणी तुर्की के लिए जो कहा था वही हुआ। फ्रैंक यूगरबेट्स की भविष्यवाणी बताती है कि भारत और पाकिस्तान में आ सकता है बड़ा खतरा। दोस्तों, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप की भविष्यवाणी बाबा वेंगा ने आज से तकरीबन 100 साल पहले ही कर दी थी, और इसी के चलते भारत भी इन दिनों काफी ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाबा वेंगा की तरफ से भारत को लेकर भी एक बड़ी खतरनाक भविष्यवाणी की गई है। इसके अलावा भूकंप आने से 3 दिन पहले ही फ्रैंक नाम के एक वैज्ञानिक ने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी, और इसको लेकर भी बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये उनका तुक्का था, क्योंकि इससे पहले भी उनकी तरफ से कई भविष्यवाणी की गई है जो कि काफी गलत भी साबित हुई है। लेकिन यहाँ पर सवाल बाबा वेंगा का निकल कर आ रहा है, जिन्होंने 100 साल पहले इतनी सटीक भविष्यवाणी कैसे कर दी, और इनकी तरफ से अब भारत को लेकर जो कहा गया था उसको लेकर भारत काफी ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बाबा वेंगा की तरफ से 2023 को लेकर ऐसी ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि अगर वो सच साबित हुई तो धरती पर कहर बरस जाएगा और हो सकता है कि इंसान का धरती से नामोनिशान ही मिट जाए। तो चलिए, क्या है पूरा मामला जानते हैं, और बाबा वेंगा की तरफ से कौन कौन सी भविष्यवाणी की गई है, और इनकी तरफ से भारत को लेकर कौन सी बड़ी बात कही गई है, जानेंगे सभी बातों को डिटेल में। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बाबा वेंगा के बारे में जान लेते हैं। बाबा वेंगा एक फकीर थी जो आंखों से नहीं देख सकती थी। वे बुल्गारिया की रहने वाली थी और उन्होंने कई ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो सच साबित हुई। उनका जन्म 1911 में हुआ था और मात्र 12 साल की उम्र में ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई। बाबा वेंगा की तरफ से 2023 को लेकर भविष्यवाणी की गई थी कि 2023 में पृथ्वी की कक्षा में काफी ज्यादा उथल पुथल होगी। दुनिया भर में महंगाई से आर्थिक स्थिति बदहाल हो जाएगी। कई देशों में दंगे, आंदोलन और राजनीतिक उथल पुथल मचाएगी, जिसका परिणाम भयानक हो सकता है। बाबा वेंगा की तरफ से 2023 को लेकर भविष्यवाणी की गई थी कि कई देशों में भुखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बाबा वेंगा की तरफ से ये तक कह दिया गया था कि 2023 में हो सकता है पृथ्वी के ऊपर एलियन का हमला हो जाए, जिससे कि पृथ्वी की दूरी बदल जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत खतरनाक साबित होगा हमारे जनजीवन के लिए, क्योंकि पृथ्वी अगर सूरज से दूर हो जाएगी तो ऐसे में पृथ्वी का तापमान काफी ज्यादा गिर जाएगा, जिससे इंसानी जीवन समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा बाबा वेंगा ने भारत को लेकर एक भयानक भविष्यवाणी की है। अगर ये भविष्यवाणी सच हुई तो आने वाले समय में भारत को काफी ज्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा कई भारतवासियों की जान भी जा सकती है, इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम फ्रैंक की भविष्यवाणी के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने इससे पहले भविष्यवाणी की थी और उनकी भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। दरअसल दोस्तों, तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप आने से 3 दिन पहले डच शोधकर्ता फ्रैंक यूगरबेट्स ने भविष्यवाणी की थी कि तुर्की विनाशकारी भूकंप का गवाह बनेगा। डच विशेषज्ञ फ्रैंक यूगरबेट्स ने अपने ट्वीट में लिखा था कि जल्द या बाद में दक्षिण मध्य तुर्की, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान में 7.5 तीव्रता का भूकंप आएगा। उन्हें अपनी भविष्यवाणी पर संदेह था, लेकिन एक तरह से वो सही साबित हुए। इसके अलावा इनकी तरफ से ये भी कहा गया कि अगली पंक्ति में भारत और पाकिस्तान का नंबर आने वाला है। इनकी तरफ से ये साफ साफ कह दिया गया कि अगला नंबर एशियाई देशों का ही आने वाला है। इनके जरिए से अब भविष्यवाणी की गई है कि इसके बाद एशियाई देश में भूकंप आ सकता है। फ्रैंक यूगरबेट्स ने कहा कि एशियाई देश तुर्की जैसे बड़े भूकंप का सामना कर सकते हैं। उनके मुताबिक अगला भूकंप अफगानिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान और भारत को पार करने के बाद हिंद महासागर में समाप्त होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ एक मोटा अनुमान है और सभी बड़े भूकंप पर्यावरण में अपना चिन्ह नहीं छोड़ते और ना ही वो हमेशा अपनी घोषणा करते हैं। इनकी तरफ से कह दिया गया है कि उतार चढ़ाव से सभी महत्वपूर्ण भूकंप का पता नहीं लगाया जा सकता, ये सिर्फ एक अनुमान है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सतर्क हो जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं बाबा वेंगा की तरफ से ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की गई थी जिससे हमें डरना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो बाबा वेंगा की तरफ से जिस तरीके की भविष्यवाणी की जाती थी वो एक पहेली की तरह होती थी। उसे फिर डिकोड किया जाता था और उसके बाद अनुमान लगाया जाता था कि ऐसा हो सकता है। इस समय जो लोग बाबा वेंगा की भविष्यवाणी डिकोड करते हैं, उन सभी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बाबा वेंगा के मुताबिक 2023 में कुछ गड़बड़ होगी। बाबा वेंगा की तरफ से आने वाले कई सालों के लिए कई खतरनाक भविष्यवाणियां की गई है, और इनमें से कई ऐसी भविष्यवाणी है जो कि सच साबित हुई है, और कई ऐसी भविष्यवाणी है कि जो सच नहीं हो पाई।
इनकी तरफ से पहले ही बता दिया गया था कि राजकुमारी डायना की सड़क हादसे में मौत होगी, और इनकी तरफ से पहले ही बता दिया गया था कि अमेरिका पर 9/11 घटना होने वाली है, और ऐसा दावा किया जाता है कि ये सब भविष्यवाणी बाबा वेंगा ने पहले ही कर दी थी। इसके अलावा भी बाबा वेंगा की तरफ से भविष्यवाणी की गई थी कि आने वाले समय में बच्चे लैब में पैदा होंगे। इसके अलावा माता पिता बच्चों का रंग और लिंग भी तय कर पाएंगे। लैब में बच्चे पैदा होने के साथ साथ बच्चों का पारंपरिक पैदा होने का तरीका भी खत्म हो जाएगा। बाबा वेंगा के मुताबिक 2023 में कोई जैविक हथियार से हमला कर सकता है जिसमें लाखों लोगों की जान चली जाएगी। और हमें देखने को भी मिला कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के ऊपर जैविक हथियार से हमला करने वाली बात भी कह चुके हैं। इसके अलावा इस समय जिस तरीके की युद्ध वाली स्थिति बनी हुई है उसके ऊपर भी बाबा वेंगा की तरफ से भविष्यवाणी की जा चुकी है। बाबा वेंगा की तरफ से 2023 में भारत को लेकर जो भविष्यवाणी की गई उसमें कहा गया कि सोलर सुनामी आ सकती है जिसके चलते भारी नुकसान होगा। इसके अलावा कहीं कहीं पर भुखमरी जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। साल 2023 में लगातार गर्मी बढ़ने की वजह से भारत में टिड्डी का प्रकोप बढ़ सकता है जिससे देश में महामारी जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा भी इनकी तरफ से बहुत सी ऐसी भविष्यवाणी की गई है जो सच भी साबित हुई है, और कई ऐसी भविष्यवाणी भी की गई जो कि गलत साबित हुई है। इनकी तरफ से ये तक कहा गया कि 2023 में ऐसा भी हो सकता है जब पृथ्वी के ऊपर एलियन का हमला हो सकता है जिसकी वजह से पृथ्वी की दूरी बढ़ जाएगी या घट जाएगी। ऐसे में अगर पृथ्वी सूरज के करीब जाएगी तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, और अगर पृथ्वी सूरज के दूर चली जाएगी तो पृथ्वी का तापमान कम हो जाएगा जिससे पृथ्वी पर एक बर्फ की नई चादर पड़ जाएगी। बाबा वेंगा के द्वारा पहले जो बातें कही गई थी, बर्बादी की जो बात कही गई थी, भुखमरी की जो बात कही गई, इसके अलावा उथल पुथल की जो बातें कही गई, इन सभी बातों को कहीं ना कहीं सीरिया और तुर्की के भूकंप से जोड़कर देखा जा रहा है। जब से तुर्की में सीरिया में भूकंप आया है तब से ही हमें देखने को मिल रहा है कि इस समय बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को लेकर लोग काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं। हमें देखने को मिल रहा है कि लोग इन भविष्यवाणियों को तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से जोड़ रहे हैं, और इससे पहले भी लोगों ने उनकी कई भविष्यवाणी सच होते हुए देखा है, इसलिए इनके ऊपर भी बहुत लोगों को यकीन है। और इनकी तरफ से जो भविष्यवाणी आने वाले समय में भारत को लेकर कही गई उसको लेकर भी कुछ लोग सच मानते हैं और कुछ लोग सच नहीं मानते। वैसे आपको क्या लगता है, बाबा वेंगा की तरफ से भारत को लेकर जो भविष्यवाणी की गई है वो सच होंगी या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। वैसे हमारी तरफ से ऐसी प्रार्थना ही की जा रही है कि आने वाला कल किसी ने भी नहीं देखा है। वैसे आपको क्या लगता है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत।